झाल इतना देना कि खा के यहाँ में रोते रोते घर में पहुँचे। आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जस्ट ऐसे ही टाइम पास संडे निकल रहे थे ना, तो सोचा एक ब्लॉग ही बना रहे थे, उसी सिलसिले में आज बना रहे हैं एक ब्लॉग, देखते हैं क्या क्या बनता है। एक्चुअली में हम लोग को खुद ही नहीं पता, दिन जा रहे हैं देख सकते हो। चल मजर अपना फेस दिखा दो, हम लोग सब जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जस्ट टाइम पास, मतलब संडे इंजॉइंग, देखते हैं संडे इंजॉइंग कैसा होता है। चलिए फिर हाँ, तो हम लोग अभी फिलहाल कॉलोनी में से ही निकल रहे हैं, बस कॉलोनी में ही है, अभी तक निकले नहीं है कॉलोनी से, बस जा रहे हैं। देखते हैं एक बाइक पे तीन लोग, हम लोग कॉलोनी का रास्ता देखिए, आप लोग देख सकते हो ज़रा रास्ता, बाइक ठीक से दिखाना ज़रा, देख सकते हो कितना अच्छा है हम लोग का रास्ता। और आज की ब्लॉग पे जो जो है मैं नाम बोल देता हूँ सबका, मैं हूँ जो कि आप लोगों का नाम पता है फैजल, जो कि मैं हूँ, और है मोजुल जो कि मेरा कॉलोनी का फ्रेंड है, पहचान ही रहे हो, जो आसाद है सब जान ही रहे हो उसको, वो भी है। तो चलिए कहाँ तक जा सकते हैं देखते हैं आज तीनों, क्योंकि जस्ट टाइम पास क्या करें, घर में बैठ बैठ के तो बोर हो चुके हैं ना। चलिए आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए शुक्रिया, और एक काम करिएगा प्लीज़, मेरा फ्रेंड का भी एक चैनल है आसाद का, और प्लीज़ तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें भी मतलब आगे जाके अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, डोंट वरी, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा मैं लिंक ना, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाईवे पहुंच चुके हैं हम लोग, हाईवे से निकल रहे हैं, आप देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कुछ खाएंगे वेंगे बस आराम से आ जाएंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि करने का तो कुछ है नहीं, आज संडे है ना, घर पर बैठ के तो बोर हो रहे थे ना, तो सोचा थोड़ा घूम लेते हैं और कुछ खा के भी आ जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा। फाइनली तो हाईवे पे पहुंच चुके हैं, कहाँ तक जाते हैं, कहाँ में क्या मिलता है देखता, क्योंकि तो सोचा था तो मतलब पुलिस पॉइंट तरफ में एक बिरयानी का शॉप था, उसमें बिरयानी खाएंगे सोचा था, पर वो था क्लोज, मतलब आज संडे का वजह से शायद बंद है, खुला नहीं मिला। अब टाउन तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो पेट पूजा करके हम आ जाएंगे, फिर तब तक आप बने रहे हम लोग के साथ। निकलेगा समझ गया, तो कि मतलब एक प्रॉपरली ब्लॉग बनाएगा बोलते सोचा था, सुबह निकलेगा पर कुछ कामों का वजह से निकल नहीं पाया सुबह, इसलिए निकलते निकलते शाम हो गया, क्योंकि तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 बजने को, इसलिए अभी सोचा और अभी कहाँ जाएंगे, तो इसका वजह से और कहीं निकले नहीं है, सोचा चलो घूम के आ जाते हैं, थोड़ा राइड कर लेते हैं, तो कुछ खा के भी आ जाएंगे, टाइम पास राइड भी हो जाएगा, वही सोच के निकल गए। लेकिन जो भी खाएंगे आज हम लोग, कुछ ठेला वगैरह ऐसा से खाएंगे, कोई रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाएंगे, मतलब बाहर का खाना भी कभी कभी टेस्ट करना चाहिए कैसा है, बोलते पता चलता है। अभी सिटी टावर तरफ ही जा रहे हैं हम लोग, जरा भाई विशाल मार्केट को दिखा दो लोगों को, ये देख सकते हो ये विशाल मार्केट, सिटी टावर पहुंच चुका है हम लोग, देख सकते हो बिग बाजार दिखाते जरा लोगों को, ये है दिमापुर का बिग बाजार जो देख सकते हो आप लोग, ये है दिमापुर का बिग बाजार जो कि हाल फिलहाल में खोला है, जो कि सिटी टावर में है। अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है, उसी हिसाब से हम लोग कुछ खाएंगे, क्या मिलेगा वो तो पता नहीं, देखते हैं तो मिल जाएगा शायद, देखते हैं क्या मिलता है, देख सकते हो आप लोग ठेला लोग दिखा दो जरा भाई लोगों को, पब्लिक को, देख सकते हो आप लोग जो कि ठेला लोग, तो ये सब से हम लोग कुछ खाएंगे, तो देखते हैं आप क्या खा सकते हैं। गाइस बुगनी खा रहे हैं, जो जिसको छोला भी बोला जाता है, सिटी टावर में तो खास कुछ खाने को ऐसा मिला नहीं, छोटा मोटा कुछ खा के आया। चलिए अभी निकलते हैं, मतलब आई मीन दुर्गा मंदिर तरफ जा रहे हैं,
देखते हुए आ जाके कुछ मिलता है खाने को तो जरूर खा के आएंगे। मतलब आज पता नहीं क्यों बाहर से ही मतलब खाने का बहुत मन हो रहा है, मतलब फास्ट फूड वगैरह ना, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो जरूर खाएंगे। बस बने रहिए हम लोग का। बस एनएल रोड में है, अब जस्ट पहुंचने वाला ही है, एनएल रोड पहुंच चुके हैं, बस पहुंच ही जाएंगे थोड़ा देर में। क्या सामान, ज़्यादा दूर तो है नहीं सिटी टावर से। दुर्गा मंदिर जंक्शन में पहुंच चुके हैं हम लोग, चलिए देखते हैं अब जाके क्या मिलता है। जंक्शन तो पहुंच चुके हैं हम लोग दुर्गा मंदिर का, चलिए अब देखते हैं कुछ मिलता है तो ज़रूर खाएंगे। पानी पूरी वगैरह ऐसे भी मिलेगा शायद, बर्गर वगैरह क्या मिलेगा देख सकते हो आप लोग, ठेला लोग देख सकते हो आप लोग, ठेला लोग यही सब से कुछ ना कुछ खाएंगे। चलिए देखते हैं क्या खाते हैं अभी, बस बने रहिए हम लोग का साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर खाएंगे। बेलपुरी खाने वाला है अभी हम लोग, जिसको पापड़ी चाट भी बोलते हैं। अभी पानी पूरी खाएंगे हम लोग, पानी पूरी टेस्ट करते हैं कैसा है। खा भाई खा ले, राजा मर्चा। हाँ राजा मर्चा, दाल नहीं खाएंगे तो कैसा होगा। हम राजा मर्चा में शामिल नहीं है। हाँ मैं ना शामिल, दो बुक्कड़ खा रहा है, दाल इतना देना खा के यहाँ में रोते रोते घर में पहुंचे। जब वो खाने में नहीं डर रहा है, अब देने में क्यों डर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि बताया था, हम लोग दुर्गा मंदिर आ रहे हैं, तो फाइनली हम लोग ने कुछ कुछ खाया पिया है, मतलब वो पापड़ी चाट खाया, फिर गोलगप्पा खाया उधर से। मतलब ये दुर्गा मंदिर में अगर आप लोग को कहीं से गोलगप्पे खाना है तो भैया का पास ही खाना, बहुत ही टेस्ट बनाता है। तो ये एटीएम का सामने में एसबीआई का, तो आप लोग को खाना हो तो यहीं में आइएगा, बहुत ही लाजवाब बनाता है। तो हम लोग ने तो खा लिया, फाइनली हम लोग भी घर जा रहे हैं अभी, जाके फिर ये दोनों को छोड़ के फिर मैं अपना घर, दोनों अपना घर, तो चलता हूँ। बहुत कुछ तो खा लिया हम लोगों ने, तो फिर फाइनली आप निकल रहे हैं, चलिए फिर। तो जैसा कि आप लोगों को बोला था, हम लोग कुछ कुछ खाएंगे, तो ऐसा तो बहुत कुछ खाया। तो अगर कुछ गोलगप्पा वगैरह किसी को खाना वाना हो तो दुर्गा मंदिर आके आराम से खा सकते हैं, दुर्गा मंदिर बहुत अच्छा बनाता है। तो वहीं से हम लोग कुछ कुछ खाए, अब फिलहाल तो हम लोग भी निकल रहे हैं, तो चलिए अभी चलते हैं, बस बने रहिए हम लोग के साथ घर तक। घर तक पहुंचते हैं फिर घर में पहुंच के बात करते हैं। अभी तो फिलहाल निकल गए, ज़्यादा दूर नहीं है, बस अंधेरा ही है, क्योंकि आज तो संडे है तो रोड पे गाड़ी भी इतना नहीं है जो कि लाइट वगैरह होगा ना, इसका वजह से। और मेन तो क्या हुआ, लाइट भी नहीं है अभी तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँच ही जाएंगे अभी। बड़वाकेम पुलिस थाने तक पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी बस पहुंच ही जाएंगे अभी जस्ट घर पे। लेकिन देखा मैंने, जब भी हम लोग आते हैं कुछ सोच के, लेकिन उसका उल्टा ही कुछ होता है, क्योंकि आज भी आया था, मतलब वो बिरयानी वगैरह खाएंगे बोलते बड़वाकेम में, लेकिन देखिए जाके कुछ और ही खा के आ रहे हैं। मतलब थोड़ी सोचते हैं और कभी पूरा नहीं होता है, क्यों पता नहीं, मेरा साथ भी ऐसा क्यों होता है भाई, ये समझ में नहीं आता। मेरा किस्मत ही खराब है या फिर क्या है, मुझे खुद ही समझ नहीं आता है, मेरा साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिलहाल हम कॉलोनी में घुस चुके हैं, मतलब कॉलोनी का रोड पे घुस चुके हैं, घर अब जस्ट पहुँच ही जाएंगे।
फाइनली हम लोग घर पहुंच गए गाइस, देख सकते हो आप लोग, मतलब आई मीन मेरा घर पे नहीं, मेरा फ्रेंड का घर पे है, क्योंकि मेरा घर का बैकग्राउंड तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है, ये उसका बैकग्राउंड से आप लोगों को पता चल रहा है। तो आज का ब्लॉग शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो, मतलब सोचा कुछ था, हुआ कुछ और है, आप लोगों को पता ही है। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, और अपना फ्रेंड लोगों को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा लिंक प्लीज़। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।